ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उन क्षेत्रों में बसते हैं जो साल भर लगभग सामान्य से भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। इन जंगलों में कई पेड़ हैं जिनके वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं जाती है और जमीन पर वनस्पतियों की किसी भी छोटी प्रजाति का बहुत कम विकास होता है। दोस्तों, आज हम भारत के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अंडमान आइलैंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। भारत में ट्रॉपिकल सदाबहार वन का सबसे अच्छा उदाहरण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इस जगह को और अधिक विशेष बनाने के लिए वनस्पति और जीवों की बड़ी विविधता है। अंडमान द्वीप समूह में दुर्लभ पौधे और पशु प्रजातियां हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे अन्य आसपास के देशों से पारित किए गए हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अंडमान द्वीप समूह का 84% हिस्सा वनों से आच्छादित है। अंडमान द्वीप में जंगलों की 12 अलग अलग किस्म के हैं। उनमें से कुछ है छोटे छोटे जंगल। अंडमान के जंगल लकड़ी की 200 प्रजातियों के लिए घर है, जिनमें से 30 व्यावसायिक है। ऐसा माना जाता है कि अंडमान द्वीप समूह में 2200 से अधिक किस्म के पौधे उगते हैं, जिससे ये भारत का सबसे समृद्ध जीव मंडल बन जाते हैं। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूरे साल में औसत 2000 मिमी वर्षा प्राप्त करते हैं। ब्रह्मपुत्र वैली सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ब्रह्मपुत्र घाटी इस देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र का गौरव है, जबकि कुछ हिस्से पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। ये घाटी प्रमुख रूप से असम राज्य में स्थित है। घाटी अर्ध सदाबहार जंगलों का घर है और देश में सबसे अधिक जलोर मिट्टी का घर है, और इसलिए इसे भारत में सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। रसीला साग के अलावा ये घाटी शानदार वनस्पति और जीवों के लिए भी जाना जाता है। इस घाटी में प्रजातियों का भारत मल्लयन क्षेत्र से प्रभाव है। इस जंगल में कुछ वन्य जीव प्रजातियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे तक ही सीमित है, जैसे गोल्डन लंगूर और हिस्पेड हेयर से लेकर हुलक गिबन और स्टाम टेल मैकाक तक। इस प्रजाति की एक विस्तृत विविधता है जो इस घाटी में पाए जा सकते हैं। वर्तमान समय में इस जंगल की भूमि को घास के मैदान के रूप में और क्षेत्र के आसपास के स्थानीय लोगों द्वारा कृषि के लिए उपयोग किया जा रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न घाट मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। ज्यादातर महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाए जाते हैं। नम पर्णपति जंगलों का एक खंड पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में पाया जा सकता है, जो लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रों को कवर करता है। समृद्ध और घने वन आवरण दक्षिण पश्चिमी महाराष्ट्र से शुरू होते हैं और दक्षिण भारत में कर्नाटक और केरल तक फैले हुए हैं। वनस्पति और जीवों से समृद्ध एक अन्य क्षेत्र पश्चिमी घाट जानवरों की 1100 से अधिक प्रजातियां का घर है, जिनमें से 200 से अधिक उस क्षेत्र के लिए स्थानिक है। पश्चिमी घाट वन भूमि एशिया में सबसे बड़ी हाथी आबादी वाले क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। हालांकि इस क्षेत्र में एक बड़ी चिंता वन भूमि का तेजी से शहरीकरण है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार मूल वन भूमि का 2/3 हिस्सा विहीन हो गया है। ओडिशा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वन न तो स्थानिकता पर ऊंचे है और न ही एक प्रजाति समृद्ध अहंकार के, फिर भी ये जंगल टाइगर, एलिफेंट, गोर जैसे बड़े कोसरों की जीवों के लिए घर है। जंगल की उत्पत्ति गोडबाना भूमि से हुई है, इसलिए इन जंगलों में एक प्राचीन बायोटा का घर है। इस क्षेत्र में वनस्पतियों की प्रजाति को 3 लेयर में विभाजित किया गया है। साउथ वेस्टर्न घाट मॉयस डिसीडुअस फॉरेस्ट। ये वन डेकन प्रायद्वीप में सबसे अधिक स्थानिक और प्रजाति से भरपूर वनस्पतियां हैं। टाइगर, एलिफेंट, गोर जैसे बड़े जानवर इन जमीनों पर रहते हैं। 16 जंगलों के घास के मैदान और पैच इन पर्णपति जंगलों की विशेषता है। 12 साल में एक बार नीलकुरुंजी नामक फूल नीले रंग में पहाड़ों को रंग देता है और ये हमारी आंखों के लिए एक इलाज है। ये जंगल पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है और तमिलनाडु केरल राज्य में स्थित है। ये भी गोडबाना भूमि का एक हिस्सा था। विभिन्न मौसमों के दौरान यहाँ पर वर्षा 250 से 800 सेमी के बीच कभी भी होता है।
इस वजह से निवास स्थान में विभिन्नता है और उच्च स्थानिकवाद देखा जाता है।